हम हनफी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम हनफी हैं और फ़ख्र है इस पर हमें। अब अगर हम हनफी हैं तो हमारे नज़रियात भी तो वही वाले होने चाहिए कि जो हमारे आइम्मा ने लिखे हैं। ये नहीं कि आज कुछ लोग खारजियों से पैसे लेकर उनके साथ मिल जाए और कुछ पीर, दो नंबर खतीब, दो नंबर नकीब, दो नंबर नात खान, कुछ जहालत की वजह से मारे गए और कुछ जो है वो ईरानियों से पैसा लेके मारे गए। हम कहते हमें ला सऊदिया ला ईरान अल कुरान अल कुरान। हमें ना सऊदिया की ज़रूरत है ना हमें ईरान की ज़रूरत है, हमें मदीना मुनव्वरा के ताजदार की ज़रूरत है। माह मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। हमें सिर्फ रसूल पाक सल्लम की ज़ात अक़दस चाहिए, हमें सरकार की तवज्जोहात चाहिए, नबी अलैहिस्सलाम के नज़र करम चाहिए। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला ने की ये फ़िक़्ह अकबर आपकी किताब जिसमें आपने अकायद लिखे हमारे। अरे याद रखना, कुछ लोग तो इसमें जी वो सैयद साहब है, कुछ सियादत की आग के अंदर उम्मत को गुमराह कर रहे हैं। सैयद की बहुत शान है, सैयद की बहुत शान है, लेकिन शान उस वक्त है जब सियादत सरकार के साथ बरकरार रहे। अगर सैयद हो लेकिन सरकार के दीन का ही बागी बन जाए तो फिर कोई इज्जत क्यों, लफ्ज सियादत ही खत्म हो जाती। और ये एक माहौल बनाया जा रहा है हमारे माशरे में। शरीयत तो वही है जो सैयद साहब ने कह दिया, जो सैयद साहब ने कर दिया, और नहीं शरीयत वो है जो आमिना के लाल ने फरमा दिया, शरीयत वो है जो कुरान है, शरीयत वो है जो मेरे आका अलैहि सलाम का फरमान है। अब सरकार के बाद हर किसी पे लाजम है कि वो रसूल पाक रसम की इत्तबा करे। सरकार मुअज्जम रसम कुछ फरमाए और अपने आप को सैयद साहब, पीर साहब, आलिम साहब कहने वाला कुछ और कहे तो हम उसकी नहीं मानेंगे। और जो इमाम है, इस इमाम के मुकल्लिद तो लाखों सैयद भी हैं। आज कहें अपने आप को हनफी और बात करें रवाफिस की तो वो हनफी हो सकता नहीं। इमाम आज़म उन्हीं पर रज़ी अल्लाह ताला क्या कहते हैं, ये मौशे में अली दा पहला नंबर, अली दा पहला नंबर, ये मौला अली रज़ी अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, ये मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के साथ बुग्ज़ है। और हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों खुद फरमाया, जो मुझे हजरत बकर सिद्दीक और तुम्हारे फारूक पे फजीलत दे मैं उसको 80 कोड़े मारूंगा। 80 कोड़े। असल पता है मोहब्बत क्या है? असल मोहब्बत यह है कि शरीयत ने जिसको जो दर्जा दिया है बंदा उसको दिल से माने भी जुबान से बयान भी करे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, याद रखना हमें किसकी हैसियत है कि खुद से किसी को दर्जा दे और या खुद से जो अल्लाह ने दर्जा दिया उसको वापस ले ले। किसी की है मजाल? किसी की मजाल नहीं। जो शरीयत ने दिया उसको बयान करना है। असल मोहब्बत ये है। मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का पहला नंबर कहने वाले आपके मुहिब नहीं है, वो प्यार करने वाले हैं सच्चे। जो दर्जा अल्लाह ने उनको दिया, सरकार ने उनको दिया, वो उसी दर्जे को माने भी बयान भी करे। और वो दर्जा कौन है? वो चौथा नंबर। वो कौन सा नंबर है बोलिए, कौन सा है? कौन सा है? चौथा नंबर। ये देखिए इमाम अबू हनीफा क्या फरमाते, हमारे इमाम जिनके बताए मसाइल के मुताबिक हम नमाज पढ़ते हैं, जिनके बताए मसाइल के मुताबिक हम रोजे रखते हैं, जिनके बताए मसाइल के मुताबिक हम जकात देते हैं, जिनके बताए मसाइल के मुताबिक हम वजू करते हैं। तो मुझे बताओ, जब सारा कुछ तो उनसे लिया है तो अकीदा उनसे नहीं लेंगे? बोलिए, अकीदा उनसे नहीं लेंगे, उन्हीं से लेंगे। इनके मुकाबले में कोई नाम निहाद सैयद आए हम उसकी नहीं मानेंगे, हम इमाम आज़म अबू हनीफा की मानेंगे। क्यों? हमने सारी उम्र नमाजें पढ़ी इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला के बताए मसाइल के मुताबिक। जब नमाज का मसला उनसे सीखा तो हम अकीदे का मसला भी उन्हीं से सीखेंगे। हमें आज के किसी नाम निहाद दो नंबर पीर की जरूरत नहीं है। असल एक नंबर पीर उनके कदमों से लगनी खाक, वो भी हमारी आंखों का सरमा है। इमाम आज़म हनीफा क्या कहते हैं, अफ़दलुन नासे बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहते हैं रसूल पाक अलैहि सलाम के बाद सबसे अफजल जात वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यानी अम्बिया मुरसलीन, ये जो सरकार के बाद कहा ना, इसलिए फरमाया क्योंकि सरकार आखिरी नबी अलैहिस्सलाम है।
अफ़ज़लु नासे बाद रसूलिल्लाह से। वाकई अगर मजमू तौर पर कहेंगे तो तमाम नबियों रसूलों के बाद, लेकिन चूंकि सरकार के बाद किसी नबी ने पैदा नहीं होना, आप आखिरी नबी हैं, आप आखिरी मासूम हैं, इसलिए फरमाया कि सरकार के बाद सबसे अफजल हज़रत अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, सुम्मा उमर है, हज़रत अबूबकर सिद्दीक के बाद हज़रत उमर फारूक है। फरमा लगे सुम्मा उस्मान, हज़रत उमर के बाद हज़रत उस्मान, सुम्मा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बाद मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बात को ख़त्म करते हुए एक और बड़ी ज़रूरी बात है, आज कुछ नाम है जाहिल पीरों ने एक ड्रामा बनाया हुआ है सहाबे किराम अली मर्दवान के खिलाफ बकवास करने का। कुछ लोग कहते हैं अगर आज हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की शान बयान की जाए, या हज़रत सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु की शान बयान की जाए, या हज़रत हिंदा की शान बयान की जाए, कहते हैं ये अहले बैत के दुश्मन हैं जो ये बयान कर रहे हैं, और ये तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, और अपनी सालगिरह हर हर शहर में कर रहे हैं। तुम्हारी सालगिरह कहाँ से साबित है? तो अपनी हसीयत बता। तेरी शान में जो झूठी करामतें तेरे झूठे मुरीद बयान कर रहे हैं, ये कहाँ से साबित है? और अमीर मुआविया हो या अबू सुफियान हो या हज़रत हिंदा हो, यार इनकी शान तो कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा क्या फरमाते हैं, कानू नतवल्लाहुम जमीया, कहते हैं हम सरकार के सारे सहाबा से प्यार करते हैं। ये मसला याद रखिएगा, निस्बत सोहबत की वजह से सरकार के सारे सहाबा से मोहब्बत करना ईमान के लिए लाजमी ज़रूरी है, बाकी दर्जे अपने अपने हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दर्जा मौला अली रज़ी अल्लाह के बराबर नहीं, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह का दर्जा बहुत बड़ा है, लेकिन शर्फ़ सोहबत जो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह को मिला है वो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हो को भी मिला है। बात समझ आ रही है? शर्फ सोहबत जो उनका है वो उनका मकाम अपना है। अब कौन ऐसा है जो कहे जी जिसने हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह की शान बयान की वो हज़रत अबू सिद्दीक़ का दुश्मन है? बेवकूफ़ी होगा ना। हर किसी की अपनी शान है और हर वक़्त उनकी शान बयान हो सकती है। तो यदि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं हम सारे सहाबा से भी प्यार करते हैं, और हम भी हम जिस वक़्त जब भी जिस सहाबी का जिक्र करें तो तारीफ़ के साथ ही करते हैं।